VIP के बाद वो होता है आपका इम्पोर्टेंट NI नंबर, नेशनल इंश्योरेंस नंबर. हाई एवरीबडी, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल. तो सेकेंड चीज़ जो आपको करनी है VIP के बाद वो होता है आपका इम्पोर्टेंट NI नंबर, नेशनल इंश्योरेंस नंबर. तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट कहाँ से करवाना है और कैसे करना है काफ़ी इजी है. ऑनलाइन आप सारी चीज़ कर सकते हैं. जिन लोगों को नहीं पता वो शायद कहीं जाके भी करते हैं, बट मैंने सारा को सारा ऑनलाइन किया था और काफ़ी इजी था. गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, वो वेबसाइट मैं नीचे दे दूँगी, क्योंकि UK में एंटर होने के बाद कुछ दो तीन डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए, और कोशिश करो वो आते ही अप्लाई कर दो. और उससे योगा की जैसे कि NI नंबर आपका बेसिकली क्यों ज़रूरी होता है, जब आप जॉब के लिए जाओगे तो जॉब के लिए वो आपसे आपका NI नंबर मांगेंगे ही मांगेंगे. उसके बिना जॉब स्टार्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है. तो कोशिश करो जैसे ही आप UK में एंटर हो जाते हो आप अपना नेशनल इंश्योरेंस लो, ताकि आप कोई जॉब के लिए जाओ और जब वो आपसे मांगे कि अपना डॉक्यूमेंट दिखाओ, अपना BRP दिखाओ. जैसे मैं भी जितनी भी जॉब्स पे गई हूँ उन्होंने मुझसे मेरा BRP मांगा है, कभी उन्होंने मुझसे मेरा NI नंबर मांगा है. तो अगर वो नहीं है मेरे पास तो फिर मैं अलाउ नहीं हूँ काम करने के लिए. और एक और चीज़ है NI नंबर के साथ, राइट टू वर्क, उसके भी डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे दे दूँगी, और एक कोशिश करेंगे एक सेपरेट वीडियो उसके लिए बनाएं. बट यहाँ पे आने के बाद या अपने माइंड में रखो कि सबसे पहले ले लो BRP अपना जाके, जो कि दूसरी वीडियो हमने सेपरेट बनाई है, वो भी नीचे लिंक पे दे दूँगी, वो भी आप चेक कर लेना. आने उसके बाद आपका NI नंबर, ये दो चीज़, नेशनल इंश्योरेंस नंबर, वो हर किसी से शेयर नहीं करना, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के टाइम आपको शेयर करना है NI नंबर, बाकी हर किसी को नहीं देना वो. तो टिल देन स्टे ट्यून, आई होप आप सब ठीक होंगे अपने घर. आज हम लोग गुरुद्वारा आए हैं, वो वहाँ पे पीछे गुरुद्वारा है, बहुत अच्छा लगा, आई रियली इन्जॉय, और वहाँ पे लंगर वंगर किया, काफ़ी मज़ा आया. एंड आई एम इन Swansea राइट नाउ, सो आई फाउंड दीज पीपल इट स्टेशन. से हाय, हेलो, सी यू गाइज, बाय बाय.